सभी भाइयों को राम राम। आज मैंने DTX यामा कंपनी का जो पैड है उसमें मैंने पैच बनाया है कहरबा का, बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है, आप लोग इसे ज़रूर सुने। और जो भाई लोग यामा DTX वाला पैड यूज करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा पैड है, और जो अन्य पैड यूज करते हैं जो मैंने इसमें पैच बनाया है तो आप किसी भी पैड में बना सकते हैं। और आइए आपको बजा के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगाए हैं आपको वो बता दूंगा, टोन बता दूंगा, वॉल्यूम फुल कर लें, और आप ये मान समझें कि इसमें बताने का तरीका और बजाने का तरीका अलग रहेगा। इसमें जो रहेगा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा, और इसमें अगर आप डालना चाहें वो इंस्ट्रूमेंट जो इसमें पड़े हैं सो इसमें डाल सकते हैं, या 30 है, 20 प्रो है, 20 पुराना वाला, जो भी है आप ये इंस्ट्रूमेंट सुन के मैं आपका इंस्ट्रूमेंट के नाम बता दूंगा, वो आप अपने किसी भी पैड में डाल के अपना टोन कर लें। टोन करने का तरीका मैं बता दूंगा, और आइए चलते हैं पैड की। और जो भाई लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आइए चलते हैं पैड की ओर। आइए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं आपको इंस्ट्रूमेंट के नाम बता देता हूँ, जो आप सुन के अपना किसी भी पैड में बना लें, या जो DTX 12 पैड यूज करते हैं उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। आइए देखते हैं। पहले खाने में टॉम है, जो इसमें जो यामा में हमारा है 073 का नंबर का 073, और इसमें भी 073 है, और इसमें 2047 का बेस है, और C02 की साउंड की जगह पे जो लगते रखते हैं उस पर एक या दो रख सकते हैं, और बेस भी 2047 का रख सकते हैं। यहाँ पर यामा जो लोग यूज करते हैं वो तो बना लेंगे, जो ये यूज करते हैं या 20 है 30 है तो उसमें हम जो साउंड बता रहे हैं आप वही लगाएं। इसमें आप टॉम लगा लें T21 का, इसमें आप T21 का लगा लें, इसमें जो अन्य पैड है, और इसमें 2047 का बेस और C02 की साउंड लगा लें। इसमें आप L12 लगा लें, L12, और इसमें भी L12 रहेगी। इसमें ढोलक का घिसा रहेगा जो हमारे 20-30 में है, घिसा वो लगा लें, और घुंघरू लगा लें L27 के, या अन्य घुंघरू जो भी अच्छे लगे वो लगा लें। और इसमें ढोलक की चांटी लगी है, आप तबले की चांटी या ढोलक की 20 में जो भी आप लगाना चाहें वो लगा लें, वैसे हमने ढोलक की लगा रखी है। और इस खाने में बेस है 2047 का बेस, और क्लिप लगी है A15 की क्लिप लगा लें, या A16 की क्लिप लगा लें। अन्य पैड हैं जो 20, 20 प्रो, 30 में जो आपको अच्छी लगते हैं वो लगा लें। और इसमें घुंघरू लगे हैं जो 20 में बड़े घुंघरू हैं O01 पर, वो आप थोड़ा हल्के डाउन करके कुछ एक स्केल करके आप ये लगा लें, आपका पैच बढ़िया रेडी हो जाएगा। वॉल्यूम सबका फुल कर लें, कोई भी पैड हो वॉल्यूम फुल ही रखें। आइए थोड़ा पिच बता देते हैं इसका, जो पैच लोग इसमें बनाएंगे जो भाई लोग यामा में, तो उनके लिए पिच बता देते हैं। पहले का 5.40 है, दूसरे का 0.0 है, तीसरे का 0 है, 0 ही रखें। इसमें 21 चढ़ा है लेकिन 21 0 कर दें और कोई दिक्कत नहीं है। और इसका 5.50 है, और इसका 0.63 है, इसका 0 है। इसका आप जो घुंघरू हैं उनका 3.62 है, और घिसा 0 रहेगा।
और इसमें जीरो ढोलक है और इसका भी दोनों बैंड जीरो रखें, इसमें कोई भी टोन ना करें, इसमें टोन ना करें क्योंकि बेस का जीरो रहेगा और जो क्लिप है उसका भी जीरो रहेगा। और इसका घुंघरू जो है इनका 3.9 कर लें यामा के हिसाब से, और बाकी जो 20-30 में या 20 प्रो में बनाएगा तो इसका माइनस एक रहेगा जीरो, बाकी कुछ नहीं करना है, चांटी जीरो रहेगी ये। अब इसको और इसको हमारे 20 या 20 प्रो या 30 में मिलाना चाहे तो यहाँ पर साउंड जो L12 का है ये यहाँ पर रहेगा प्लस सात 6 से 7 तक रहेगा और ये 8 से 9 तक रहेगा। 9 अच्छा लगे 9 कर लें, 7 कर लें 7, बाकी कुछ करना नहीं है। इसका टोम है अपना, जैसी रोलिंग लगाते वैसा सेट कर लें और कुछ करना नहीं, वॉल्यूम फुल कर लें और बजाएं बनाएं और हमें ज़रूर बताएं कैसा लगा। राम राम।